अमर सिंह जी का ध्यान रखिएगा, पता नहीं कहाँ होंगे। हम जानते हैं वे कहाँ होंगे, और वैसे भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके दाजी राज अभी भी जीवित है। हुजूर, मदद के लिए नई कुंभक को आने में काफ़ी समय लगेगा, और यहाँ के हालात तो आपके सामने ही हैं। हुक्म हो तो कुछ समय के लिए पीछे हट जाएं। दोस्तों, अपनी ज़बान को लगाम दे, और एक कदम भी पीछे लिया ना हमने ढीलों के सामने, तो कसम खुदा की बादशाह सलामत जान ले लेंगे हमारे। उनके सीधे सवाल होंगे, इतने सिपाही मरवा दिए, कहाँ तक पहुँचे हल्दी घाटी में, और उन्हें क्या जवाब देंगे हम। अमर सिंह जी, लो जी, मिल गई हमें फतेह की मुहर। सिपाहियों, अब तो बिना शक को सुबह तय हो गया कि जंग में खुदा हमारे साथ है। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो पाक परवरदिगार ने कामयाबी का नया रास्ता खोला है हमारे सामने। इस जंग का सबसे बेशकीमती शख्स प्रताप, चलो वो ना सही, पर उसके बाद की सबसे कीमती चीज, उसका इकलौता बेटा, उसका वारिस, वो चलकर आया हमारे सामने। देखिए, आप जैसे समझ रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम ही आपसे लड़ने नहीं, हम तो आपसे मित्रता करने आए। हे भगवान, अमर सिंह जी तो वही चाल चल रहे हैं जो जो दारू ने चली थी। वास्तव में, क्योंकि हम तो इस युद्ध को लेकर अपने दाजीराज के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे विचार में तो ये दात्मक आती है, और ऐसा युद्ध में लड़ाई की जाए, और शत्रुता से तो मित्रता सदा सदा अच्छी ही होती है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, तो हमें बताओगे कि भील कहाँ छुपे बैठे हैं? बोलो। अब देखो, दोस्ती ऐसे तो होती नहीं, आपको सबूत देना होगा कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। हमें भीलों को दिखाना होगा, हमारे लिए उन भीलों को उनके छुपे हुए ठिकानों से बाहर निकालना होगा, तभी तो मानेंगे कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। बोलिए। एकदम ठीक। तो ले चलो मैं भीलों के अड्डे पर, हमारा मतलब है कि वो जहां छुपे बैठे, तब करेंगे बाद में दोस्ती की गुफ्तगु साथ में बैठकर। चलते कैसे मान गया ये मुकद। ठीक है, आइए। यदि हम कुछ मुगलों को भी मानने में सफल हो जाते हैं, तो भी हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी। जी चलिए।
आप अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह से निभाते हैं दोस्ती? यू हथियार लेके लग जाए ना, खून निकलता है। ये खेलने के खिलौने नहीं है। आपसे वास्तव में कह रहे, हम यह शत्रुता करने नहीं, मित्रता करने आए। खामोश। क्या लगता है आपको कि बार बार आप एक ही चाल में उलझा दोगे हमें? वो पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले भी, जो कि राजपूत भी नहीं है, वो तक इस जंग को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है, और तुम प्रताप का खून हमसे दोस्ती कर लेगा। अपने वालिद के खिलाफ जाकर इस मुल्क से गद्दारी करके हमारा साथ देगा। आपको लगता है कि हम आपकी बात मान लेंगे? यदि इतना ही समझ गए हो, तो ये भी समझ लो कि यदि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, तो हमारे दादीराज तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले अपने वालिद को अपनी बेगम यानी कि तुम्हारी अम्मी, उसके लिए मातम तो मनाने दो, उसके बाद उन्हें और भी कई मौतों के लिए मातम मनानी है। वक्त ही कहां मिलेगा उन्हें हमारी हड्डी तोड़ने के लिए। भीलो, बुजदिलो, जहां कहीं भी छुप के बैठे हो, हमारी बात कान खोल के सुन लो। बहुत सुना है हमने कि भील मेवाड़ के राणाओं के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। अब अगर अपने कल के राणा को जिंदा देखना चाहते तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना खुदा कसम हम इसे ऐसी मौत देंगे कि सारे मेवाड़ की रूह कांप जाएगी। किस कदर खामोशी तारी है जहाजपुर में, कोई हरकत भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सुनो, तुम खुद जाओ वहां और वहां के सारे ताजा हालात और वहां की जानकारी हमें फौरन दे जाओ। जो हुकुम शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खबर आई है कि महाराणा प्रताप उदयपुर से अपनी फौज के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। हुजूर, ये है ऐद और कसम राजपूत के। मान सिंह जी, आपने तो कहा था कि 13 दिन तक मातम मनाते हैं राजपूत, तो फिर अपना कॉल तोड़ के कैसे आ सकता है प्रताप यहाँ? शहंशाह, हमने ही तो उनकी महारानी की हत्या करके उन्हें उनका वचन और परंपरा तोड़ने का कारण और प्रेरणा दी है। शहंशाह, हमने चित्तौड़ के आला फौजी नायब आसिफ खान को खबर भेज दी है। शहंशाह, आसिफ खान बहुत ही खतरनाक और सिपाही जंगजू है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बीच रास्ते में ही रोक लेगा प्रताप की बढ़ती बढ़त को। मेरे बहादुर जाबाज सिपाहियों, आज की जंग हमारे कुवतों की इम्तिहान की जंग है। ये कोई रोजमर्रा वाली मामूली जंग नहीं है सिपाहियों, ये तो तवारीफ करने वाली जंग है। शहंशाह हिंद का हम पे रहम व करम है, जो उन्होंने इस इलाके के सबसे मशहूर मारूफ रियासत चित्तौड़ और उसका बेहतरीन किला में बख्शा। आज वक्त आ गया है कि हम शहंशाह के दिए हुए तमाम बख्शीशों के बदले अपनी अखीर खिदमत पेश करें। हमें हर हाल में शहंशाह को जल्द से जल्द की खुशखबरी देनी है कि हमने प्रताप को हल्दी घाटी पहुंचने से पहले ही निपटा दिया। मेरे बहादुर सिपाहियों, आज चित्तौड़ हमारा है, इंशाअल्लाह कल उदयपुर भी होगा हमारे पास। शहंशाह।
हमें सचमुच में बहुत डर लग रहा है अमर सिंह जी को लेकर। पे सही सलामत मिल जाए राणा जी, यदि अमर सिंह जी को कुछ भी हो गया तो राणा जी की तो क्या बात करें, स्वयं हमारे आत्मा हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे हम। भाभी साहब, अमर सिंह जी को कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। मासा, कम से कम आपको तो दादा भाई के सामने भाभी साहब के विरुद्ध ऐसी व्यंग बातें नहीं करनी चाहिए ना। हमें अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना, पर समय देख रही हैं, चारों ओर दुख है, संकट है, युद्ध का समय चल रहा है। अगर ऐसी घड़ी में हम सच नहीं बोलेंगे तो कब सच बोलेंगे। हमने पहले भी युद्ध देखा है और केवल ये सीखा है कि सच कितना भी कड़वा और कितना भी मीठा क्यों ना, युद्ध के समय सच बोलना चाहिए। और ये युद्ध हम पर थोपा गया है, आपके दाजी राज ने थोपा है, मारवाड़ नरेश ने थोपा है। ऐसे थोड़ी भागे हैं अमर सिंह जी भीलों को बचाने, बड़े संवेदनशील हैं। उनके साथ साथ हमने भी आस लगाई थी कि संकट के समय आपके दाजी राज हमारी सहायता करेंगे। सहायता करना तो दूर, वो हजब देखे हत्यारे के साथ जाके हाथ मिलाती है, अकबर के साथ। नहीं नहीं, हमारे दशरथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। पर सच तो यही है भाभी साहब, ऐसा ही किया है उन्होंने। हाँ भाभी साहब, वे तो मुगलों का ही साथ दे रहे हैं ना। असंभव कुछ भी नहीं है, परिस्थितियां बदली जा सकती है, राम सिंह जी को समझाया जा सकता है, कौन करेगा ये काम। राणा पुंजा, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे बैठे हो, सोच लो हमारे एक इशारे पर ये तमाम भाले मेवाड़ के मुस्तकबिल को नेस्ते नाबूद कर सकते हैं। बाहर निकलो अपने अड्डे से, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इसे खत्म कर देंगे। हमने हर तरह से सोचकर देख लिया, अब हमें आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा अगर अमर सिंह जी की जान बचानी है तो। बाप जी, मैं कुछ भीलों को लेकर आत्मसमर्पण कर देता हूँ और आप बचे हुए भीलों के साथ छिपे रहिए इस खंडरों में। मुल्तान खान को पता भी नहीं चल पाएगा कि अभी तक कितने भील उसको मारने के लिए छिपे हैं इन खंडरों में। मुल्तान खान जानता है कि भीलों का सरदार मैं हूँ, जब तक मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा वो भरोसा नहीं करेगा और वो हमें ढूंढता रहेगा। मेरा उसके सामने जाना आवश्यक है, पर बेटा तुम कुछ भीलों के साथ यहीं छुपे रहो, देखो समय रहते क्या कर सकते। पर बाप जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ बेटा, पर यह हम भीलों की परीक्षा का समय है, मुझे जाना होगा, मुझे उनके सामने जाना होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मुल्तान खान ने राणा प्रताप के एकलौते फर्जंद अमर सिंह को पकड़ लिया है। उन्होंने कहवाया है कि सारा खेल चंद लम्हों में खत्म होने वाला है। मुल्तान खान इस वक्त अमर सिंह को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं भीलों के साथ। भीलों ने अगर हमारे खिलाफ सर झुका लिया तो फिर उदयपुर तक पहुंचने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खत्म। या खुदा, तेरा शुक्र है। क्या बात है मान सिंह जी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? जवाब दीजिए मान सिंह जी। पहले एक स्त्री की छल से हत्या की और अब एक बच्चे का अपहरण किया गया है, और आप राजपूत से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो इन सब पे खुश हो। इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज होता है मान सिंह जी। जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम, प्रताप को उसकी औकात दिखाने के लिए कितने बरस बीत गए, कितनी कोशिशें की हमने, हमारी सारी तदबीरें
नाकामयाब रही उसकी औकात दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको कमजोर दिखाने के लिए, पर अब सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या आपको फक्र महसूस नहीं हो रहा इस बात पे? जवाब दीजिए मानसिंह जी। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं शहंशाह, जिस प्रकार हमने अजब दे की हत्या करवाई और जिस प्रकार अब बालक अमर सिंह जी का अपहरण करवाया, उसे ठीक और साहसिक माना जा सकता है या नहीं? क्योंकि ये सब बातें हमारे राजपूती मूल्य और मान्यताओं के विरुद्ध जा रही हैं शहंशाह। क्या कहते हैं आपके राजपूती असूल मानसिंह जी, वफादारी के बारे में? हमारी आपके प्रति निष्ठा आज भी अडिग है शहंशाह, पर हमारा धर्म इन कुकर्मों को सराहने की अनुमति नहीं देता शहंशाह। मजहब की बात मत कीजिए मानसिंह जी, क्योंकि आपका मजहब तो ये भी इजाजत नहीं देता कि किसी का नमक खाओ और उसके साथ नमक हरामी कराओ। आपके नमक का ही तो उधार चुका रहे हैं शहंशाह, और जब तक हमारे शरीर में एक भी रक्त की बूंद रहेगी, हम आपके नमक का उधार चुकाते रहेंगे शहंशाह। और तेज चेतक, और तेज, हमें शीघ्र अति शीघ्र वहां पहुंचना है। वहां पहुंचकर हमें भीलों की सुरक्षा करनी है, उनकी सहायता करनी है। चलिए चेतक, और तेज चेतक। हमारे भी अश्व अगर चेतक जैसी गति दिखा पाते तो हम भी पलक झपकते ही वहां पहुंच सकते थे। क्या बात है चेतक, अब अकस्मात रुक क्यों गए? चलिए, हमें हमें वहां पहुंचना है चेतक, चलिए। प्यास लगी होगी सर राणा जी। नहीं भीम सिंह जी, ये प्यास वाली हिन्नाहट नहीं है। अवश्य ये हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई संकेत देना चाह रहा है, वो संकेत जो हम पिछली बार समझ नहीं पाए और अजब देखो हमें खोना पड़ा था। क्या बात है चेतक, क्या कहना चाह रहे हैं आप, स्पष्ट कहिए चेतक। सब अपने अपने ढाले ऊपर उठाएं। चित्तौड़ का मुगल किलेदार आसिफ खान है। राणा जी, इनका मार्ग भेद पाना कठिन लग रहा है हमें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.